रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ ब्लॉक के भालूपखरा गांव में निर्माणाधीन पावर प्लांट में 17 जून को एक हादसा हो गया जिसमें 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा कि मध्य प्रदेश का कृषि कार्य करने वाली एक ट्रैक्टर में छड़ लोड कर ले जाते वक्त हादसा हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छड़ लोड ट्रैक्टर में 4 लोग सवार थे। दुर्घटना में ट्रैक्टर के नीचे 3 मजदूर दब गए थे जिससे पोकलेन मशीन के सहारे बाहर निकाला गया। घायल मजदूरों को पत्थलगांव अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे में ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ठेकेदार द्वारा इतनी बड़ी दुर्घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई। धर्मादा पावर प्लांट में हुए दुर्घटना के संबंध में रहरुमा चौकी प्रभारी से जानकारी लेने पर चौकी प्रभारी मनीष कांत ने बताया कि इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या धर्मादा कंपनी के ठेकेदार को कानून का कोई डर भय नहीं है, या फिर कहा जाए कि ठेकेदार नियम कानून को अपने जेब में रखकर निर्माण कार्य कर रहे हैं और गरीब मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्टेट हेड उमा यादव की रिपोर्ट।